वरुण सुनो, मेरे आदमी लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरे आदमियों को बोलो कि उस प्रीता को जान से मार दे। वो बहुत खतरनाक औरत है, समझे? वो हम सबके गले की हड्डी बन सकती है, तो उस हड्डी को जड़ से मिटा दे, समझे? ओके, डन। गुड। ये अंशुमन पांडे प्रीता मर्डर कांड करना चाहता है। अरे इसे तो पता भी नहीं है कि वो भाग गई है। इसे मैं बताऊंगा भी नहीं, अगर इसे पता चल गया ना तो ये मेरा भी मर्डर कर देगा। ये भी बहुत खतरनाक है, मैं इसे कुछ बताऊंगा ही नहीं। दत्ता का फोन? दत्ता तुम पैडी, कोई भी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? इतना इंपॉर्टेंट टास्क चल रहा है, तुम लोग फोन नहीं उठा रहे हो। अगर फोन उठाना नहीं होता है तो रखते क्यों हो? फेंक दोनों से। वो हम लोग। क्या हम लोग? कान खोल कर मेरी एक बात सुनो, मेरा ऑर्डर है उसे मानो और पूरा करो, समझे? वो जो प्रीता है उसे जान से मार दो। मैंने वरुण को भी फोन करके यही बोला था कि मेरे आदमियों को बोलो कि प्रीता को जान से मार दे। वो प्रीता बहुत खतरनाक औरत है, बस यही बोलने के लिए मैंने फोन किया था। उसे मेरी आइस फैक्ट्री में ले जाके जान से मार दो, ठंडी जगह पे उसे ठंडा कर दो। इनको तो पता ही नहीं कि वो औरत भाग गई है। और हाँ, मेरी एक बात और सुनो, उसे वहां पे जिंदा दफन कर दो। छुरी, चाकू, पिस्टल किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे? ओके बॉस। ठीक है, अंशुमन बॉस का फोन था, बोले हैं कि प्रीता को मेरी आइस की फैक्ट्री चैम्बर में डाल के खत्म कर दो, अपने आप मर जाएगी। मतलब जैसे वो लड़की मिले उसका मर्डर करना है? हाँ, जैसे वो लास्ट वाला मर्डर किया था ना, क्या नाम था उसका? अब चल हम लोग प्रीता को ढूंढते, वैसे भी हम चार है, वो अकेली है, भाग कर कहाँ जाएगी? चलो चल, चल। मुझे राजवीर को फोन करना है। बड़ी माँ? हाँ बड़ी माँ, बोलिए। हेलो राजवीर, तू कहाँ है, क्या कर रहा है? सब ठीक है ना? कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ? कुछ भी तो नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है। राजवीर बेटा, बात ये है कि पलकें यहाँ घर पे आई थी और प्रीता के लिए पूछ रही थी, तो मैंने कहा कि प्रीता शॉपिंग मॉल गई है काव्या को लेके, आती ही होगी। बस ये सुनते ही वो यहाँ से चली गई और रोकने पर भी नहीं रुकी, काफी घबराई हुई सी लग रही थी। पता नहीं क्यों राजवीर, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? बेटा तू फाइंड आउट कर कि आखिर बात क्या है। हाँ राजवीर पुत्र, पलकी के बारे में पता करना। पलकी पता नहीं कहाँ चले गई अचानक से और कुछ बताया भी नहीं। बुआ जी, आप वापस आ गए? हाँ पुत्र, मैं वापस आ गई, अपनी जगह अपनी मिट्टी में वापस आ गई। मिट्टी से याद आया, बुआ जी आपकी जमीन, आपका घर वो जल गया। पता नहीं ये सब कैसे हो गया, हम आपके घर को बचा नहीं पाए। मासी ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की लेकिन आपका घर नहीं बच पाया। I'm sorry। हाँ पुत्र, कोई बात नहीं, अभी तो ज्यादा जरूरी ये है कि तू पलकी को देख, वो कहाँ चली गई और वो क्यों परेशान है। मुझे तो पक्का यकीन है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में पड़ी है, तू पता करना पुत्र। वो जी मैं अभी पलकी को कॉल करता हूँ। पलकी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? पलकी से बात तो करनी पड़ेगी। बुआ जी और बड़ी माँ की बात सुनने के बाद अजीब सी टेंशन हो रही है, डर लग रहा है, कहीं कुछ तो हो रहा है। सो एज अ सीईओ ये आपकी पहली इंटरनेशनल मीटिंग है, करण सर आपको बुला रहे हैं। मुझे पलकी से बात करनी है और यहाँ ऑफिस की इंटरनेशनल मीटिंग, क्या करूँ? सर प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना, करण सर आपकी वेट कर रहे हैं। हाँ चलिए। हेलो सर, आज एज सीईओ आपकी पहली इंटरनेशनल मीटिंग है, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर, हमें आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप इस कंपनी को बहुत आगे ले जाओगे। आपका कॉन्फिडेंस ही मेरा कॉन्फिडेंस है, और वो कहते हैं ना, हर चीज के सक्सेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीम वर्क। करेक्ट,
टीम ग्रेट तो सब ग्रेट। सर, वी आर ग्लैड दैट यू आर आवर न्यू सीईओ। वी आर प्राउड ऑफ यू सर। अरे बस बस बस, अब काम शुरू कर रहे हैं है? और वैसे राजवीर ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर एक कंपनी को अच्छा बनाना है, कंपनी को सक्सेसफुल बनाना है, तो उसकी टीम अच्छी होना बहुत जरूरी है। एंड फॉर्चुनेटली वी हैव अ ब्रिलियंट टीम। लेट्स स्टार्ट द वर्क। सर, वो हमारा जुनेजा प्रोजेक्ट था ना सर, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। श्योर। तो ये वही प्रोजेक्ट है जो अंशुमन पांडे किसी भी कीमत में हासिल करना चाहता था। ये उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट उसके हाथ से चला गया। उसने अपने सेंसेस खो दिए और ये प्रोजेक्ट भी। तो अब ये प्रोजेक्ट हमारे पास है और आज हम इसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। तो गाइज, एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने जा रहा है और इस इवेंट में हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक बहुत बड़ा रॉक बैंड, और ये रॉक बैंड इस इवेंट का हाईलाइट होगा। राजवीर, तुम्हें काम क्यों नहीं करते? बल्कि का फोन बार बार आ रहा है, हो सकता है कोई जरूरी बात हो, तुमसे बात करना चाहती। उठा लो फोन, बात कर लो एक बार। ओके, एक्सक्यूज मी, कॉल। पल्कि, कहाँ हो? तुम्हारा कॉल क्यों नहीं लग रहा था? राजवीर, राजवीर बहुत गलत हो गया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हो गया पल्कि, तुम ठीक हो ना? और ये तुम्हारी आवाज, तुम कहीं बाहर हो क्या? हाँ, वो मैं ऑटो में हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस स्टेशन? तुम वहाँ क्यों जा रही हो? राजवीर प्लीज, तुम टेंस मत हो जाना, देखो हम बहुत जल्दी उन्हें ढूंढ लेंगे। हाँ, किसे ढूंढ रहे हो? कौन गायब हो गया? क्या बोल रही हो पल्कि? राजवीर, प्रीता जी, प्रीता जी वो सुबह काव्या के साथ शॉपिंग मॉल गई थी, फिर वहां से वो गायब है। हमने सब जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। क्या? 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 हाँ राजवीर, वो मॉल गई थी काव्या के साथ, तो मुझे लगा था कि शायद वहां से वो ऑफिस गई होंगी या फिर लुच्चा हाउस गई होंगी, तो इसलिए सबसे पहले मैं ऑफिस गई थी, लेकिन मैं वहां नहीं थी। फिर मैं लुच्चा हाउस गई, वो वहां भी नहीं थी, और मैंने और काव्या ने मिलकर पूरा मॉल छानबीन कर ली, लेकिन वो कहीं नहीं है। अगर कहीं नहीं मिली, इसका मतलब तो यही है ना कि कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है, कुछ तो अनहोनी हुई है राजवीर, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पल्कि, तुम वहां पर अकेली जा रही हो? हेलो पल्कि, हेलो हेलो पल्कि, हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी गाइस, आई जस्ट बी बैक। राजवीर, क्या हुआ? सब ठीक है ना? क्या कहा पल्कि ने? वो काव्या और माँ सुबह सुबह शॉपिंग मॉल गए थे और सुबह से माँ गायब है, और पल्कि और काव्या ने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया, शॉपिंग मॉल में ढूंढ लिया और ऑफिस में भी ढूंढ लिया, घर में भी ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं है। कुछ तो बहुत गलत हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे कहीं नहीं है मतलब कहाँ गई है? और मेरे साथ, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी गाइस, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है जिसके लिए हम दोनों को निकलना होगा। ये मीटिंग हम बाद में रिज्यूम करते हैं। ओके ओके, श्योर सर। सॉरी गाइस, सॉरी। राजवीर कम।